नमस्कार मित्रों, टुडे वी शैल डिस्कस द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट इज द माइक कुट है माइक हाँ दैट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डी मोयर्स थ्योरम विच इज रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज द एक्चुअली लास्ट एंड द वर्स्ट पार्ट इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे ज़्यादा वर्स्ट पार्ट है और ये तो लास्ट पार्ट है। तो पोलर फॉर्म यस्टरडे वी हैव स्टडीड व्हाट इज मीन बाय द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ रेडियस एंड एंगल। इफ जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आई बी द कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स पोलर फॉर्म इज देन इट्स पोलर फॉर्म। सपोज जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स पोलर फॉर्म इज जेड इज इक्वल्स टू आर इन अ ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ अ रेडियस एंड थीटा वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ मॉड बी बाय ए इन देन आर्ग झेड इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। दिस इज फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। आर्ग झेड इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट देन आर्ग झेड इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट फॉर्मूला इज आर्ग झेड इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू टू पाई माइनस अल्फा इट दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं इस सब बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पाई की वैल्यू है पाई वगैरह जो एंगल है वो आपके अब तक स्टडी में नहीं आया होगा क्योंकि आप दसवीं तक स्कूल लेवल में पाई का कहीं भी संबंध नहीं है। फिर भी एक रफ आइडिया अभी इस चैप्टर के बाद हम वही चैप्टर लेने वाले हैं एंगल एंड देयर मेजरमेंट तो उसमें हम ये बात स्टडी करेंगे। लेकिन एक रफली आप याद रखो पाई जो होता है वो एंगल में मेजरमेंट ऑफ एंगल पाई विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 180 डिग्री। डिग्री में मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ अ पाई इज 180 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ पाई इन रेडियंस रेडियंस मीन्स इन द फॉर्म ऑफ अ लेंथ इन द फॉर्म ऑफ अ लेंथ इज द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। बट ओके वी शैल डिस्कस दैट डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर। Now see here also exponential form of a complex number is suppose z is equals to a plus bi is a complex number then its polar form is r in a bracket cos theta plus I sin theta. Its exponential form is r into e raised to I theta because the value of e raised to I theta is again this. Cos theta plus I sin theta. Put this R I as it is. Put this value e raised to I theta is equals to cos theta plus I sin theta. ये हो गए complex number की exponential value और इस आधार पर हमने कल problem भी solve किए हैं। अभी कुछ problem solve करने रह गए थे बाकी वो हम यहाँ पर एक दो problem है इसमें से एक problem लेते हैं फिर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पोलर फॉर्म यहाँ पे क्लोज करते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और पोलर फॉर्म नहीं लेते हैं तो ठीक है हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सियर सपोज झेड इज इक्वल्स टू 1/7i डिवाइड बाय 2-i ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसको हमें क्या करना है इसको हमें पोलर फॉर्म देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकालने का है और इसका हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी निकालने का है ये करना है तो हम किस तरह से ये कर सकते हैं देखो। तो यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व करते हैं झेड इज इक्वल्स टू 1/7i डिवाइड बाय
Now expand this. First of all, simplify this by using the expansion rule, a minus b bracket square. Expand this according to the expansion formula. A square means 4 minus 2ab means 4i plus b square means I square, that is z is equals to 1 plus 7i divided by 4 minus 4i minus 1. I square means minus 1. Z is equals to 1 plus 7i divided by 4 minus 1 means 3 minus 4i. Again, we have to solve this division. How to solve this division? We have to rationalize the numerator, denominator, 3 minus 4i multiply by 3 plus 4i divided by 3 plus 4i. Therefore, z is equals to 1 plus 7i into 3 plus 4i divided by 3 minus 4i, 3 plus 4i. Now multiply this. 1 into 3 means 3. 1 into 4i means plus 4i. 7i into 3i means 21i. 7i into 4i means plus 28i square divided by 3 square a minus b. A plus b ka formula use karo. 3 square minus 16i square. Again here I square is a minus 1. Minus 1 into 28 means minus 28. Minus 28 plus 3 means minus 25 plus 25i divided by 9 plus 16. तो इसका झड़ी जी कस्टू क्या आता है? देखो झड़ी जी कस्टू माइनस 25 प्लस 25i डिवाइड बाय 25. मैं इसको दूसरे पेज पे लेता हूँ. देयरफॉर झड़ी जी कस्टू माइनस 25 प्लस 25i डिवाइड बाय 25. झड़ी जी कस्टू माइनस 25 डिवाइड बाय 25. सेपरेट दिस डिनोमिनेटर. Plus 25 divided by 25, z is equals to minus 1 plus i. ये हो गया simplest form. ये जो division था 1 plus 7i, इसका expansion करके complex conjugate में convert करके इसको हम पूरे step से simplify करके धीरे 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 हमने क्या कर दिया, उसको simplest form में ला के रख दिए. तो इसको जो minimum value है, इसकी क्या है देखो, मिनिमम वैल्यू इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंप्लीफाइड फॉर्म है, झड़ी जी कोस टू माइनस वन प्लस आई. अभी पूरे आगे के स्टेप हमें सॉल्व करना है. वी नो दैट झड़ी जी कोस टू ए प्लस बी आई, दैट इज इन कोऑर्डिनेट फॉर्म माइनस वन कॉमा प्लस वन, एंड माइनस प्लस बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है. ठीक है, अभी ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में होने के बाद तुम क्या निकालो, अभी मॉड झेड निकालो. इसको आर बोलते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ माइनस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, दैट इज आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वन प्लस वन, दिस इज रूट टू. ओके, अभी क्या कर सकते हैं इसको, ये आर हो गया. अभी अल्फा निकालने का है. अल्सो अल्फा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ मॉड बी बाय ए. टैन इनवर्स ऑफ मॉड बी की वैल्यू वन है, ए की वैल्यू माइनस वन है, दैट इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ माइनस वन, दिस इज इन मॉड, दैट इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स. मॉड में अगर निगेटिव होता है तो टर्म पॉजिटिव होती है, इसकी मॉड्यूलस वैल्यू पॉजिटिव, कभी भी यहाँ पे पॉजिटिव लेना. टैन इनवर्स वन, टैन के कौन से एंगल की वैल्यू वन रहती है,
पाई बाय फोर। अभी ये अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई बाय फोर आ गया। तो फिर अल्फा निकलने के बाद क्या निकालने का, अर्घझट निकाल लेते हैं। हेयर झड इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर अर्घझट इक्वल्स टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अर्घझट, अर्घझट इज इक्वल्स टू सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, इसको थीटा बोलते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा मीन्स पाई बाय फोर, विच इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फोर पाई माइनस पाई डिवाइड बाय फोर थ्री पाई बाय फोर। अगर आपको इसको डिग्री में निकालना चाहते हैं तो डिग्री में पाई की वैल्यू कितनी रहते हैं, 180 माइनस पाई बाय फोर बोले तो 45, टैन वन ची, टैन इनवर्स वन ची वैल्यू 45, म्हणजे टैन 45 ची वैल्यू 1 येत असते, टैन इनवर्स 1 आहे, म्हणजे टैनच्या कुठल्या अँगलची वैल्यू 1 असते, 45 ची, म्हणून इथं म्हणतात 45 डिग्री मध्ये 45 डिग्री होतो, म्हणजे याला 135 असं पण लिहितात, हा डिग्री झाला। ठीक आहे, हे काय झालं, अर्घझट झाला, आर झाला, आर ची वैल्यू रूट टू आणि अर्घझटची वैल्यू 3π/2। अभी क्या पूछा हमको, पोलार फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये बहुत लंबा प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे अभी पोलार फॉर्म लिखते हैं, पोलार फॉर्म, व्हाट इज दैट पोलार फॉर्म, झेड इज इक्वल्स टू आर इन अ ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, पुट द वैल्यू, झेड इज इक्वल्स टू आर बोले तो रूट टू कॉस थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज पाई बाय फोर, नो थीटा इज 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4 ऐसा आता है। और झेड इज इक्वल्स टू हम डिग्री में कैसे लिख सकते हैं, रूट टू इन टू कॉस 135 प्लस आई इंटू साइन 135। ये देखो ये प्रोसेस है, मुझे मालूम है आपको थोड़ा पाई में समझने में दिक्कत होती है क्योंकि पाई का एक अलग चैप्टर है, एंगल कैसा पाई में मेजर करना, पाई की वैल्यू कैसे निकालना, इसका एक अलग ही चैप्टर है पाई, वो जो डिग्री रेडियन में कन्वर्ट कैसा करना, तो वो फर्स्ट पेपर में फर्स्ट चैप्टर है, वो हम इसके बाद देखेंगे। खाली आप थोड़ा ध्यान में रखो, पाई बोले तो 180 डिग्री, नहीं तो आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, तो टैन इनवर्स 1, टैन 45 ची वैल्यू 1 असते, म्हणून तुम्ही असं घेऊ शकता अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक आहे, मग हा प्रोसेस आहे, ही जी खूप लेंदी प्रोसेस आहे, मोठी प्रोसेस आहे, फक्त तुम्हाला जम त्या स्टेप लक्षात ठेवा, जिथं पायच्या व्हॅल्यू आली तेवढं लक्षात ठेवा फॉर्म्युलानुसार। ठीक आहे, म्हणजे एवढा हा टोटल फॉर्म आहे। आणखी एक राहिला शेवटी, त्या प्रॉब्लेम बघा, प्रॉब्लेम काय म्हटला होता, एक्सपोनेन्शियल फॉर्म, एक्सपोनेन्शियल फॉर्म काय असतो, झेड इज इक्वल्स टू एक्सपोनेन्शियल फॉर्म, झेड इज इक्वल्स टू आर ई रेस टू आय थीटा, म्हणजेच आर रूट टू ई रेस टू आय थीटा बोले तो 3π/4, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें पूरे स्टेप आप देख लो, ये पहला जो टोटल स्क्रीन है, ये बोर्ड है, वो पूरा झेड का सिंप्लीफिकेशन का है, और दूसरा जो स्टेप्स है वो पूरा इसका कैलकुलेशन का है। ओके, अभी हम इधर आते, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई, जो पोलार फॉर्म है, अभी उल्टा जाना है हमें, अब तक कैसे एक्स ए प्लस बी आई का पोलार फॉर्म में कन्वर्शन किए, अभी इसका कन्वर्शन क्या करने का है,
x प्लस आई वाई में कन्वर्शन करना है, अपोजिट में जाना है। तो अपोजिट में एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूँ, बाद में तुम सॉल्व कर सकते हो। ये देखो, लेट जेड इज इक्वल्स टू रूट थ्री इन अ ब्रैकेट कॉस पाई बाय सिक्स प्लस आई साइन पाई बाय सिक्स कंपेयरिंग विथ जेड इज इक्वल्स टू आर इन अ ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आर होता है। तो जेड इज इक्वल्स टू रूट थ्री आई इज इट इज कॉस पाई बाय सिक्स, मैं यहाँ पे बाजू को करता हूँ, पाई बाय सिक्स मीन्स विच इज इक्वल्स टू 180 बाय सिक्स। डिग्री में कन्वर्ट करो, आपको डिग्री में मालूम है 30 डिग्री, यानी कि कॉस 30 डिग्री प्लस आई साइन 30 डिग्री, जेड इज इक्वल्स टू रूट थ्री इन अ ब्रैकेट। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 30 डिग्री। अभी यहाँ पे हम तुम बताओ, खाली कुछ नहीं, पाई बाय सिक्स बोले तो डिग्री में कन्वर्ट कर दे उसको, पाई बाय सिक्स, पाई बोले तो 180 बाय सिक्स, 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू रूट थ्री बाय टू प्लस आई साइन 30 की वैल्यू आती है 1 बाय टू। अभी रूट थ्री से मल्टीप्लाई करो, जेड इज इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू थ्री मीन्स थ्री बाय टू प्लस रूट थ्री से वन को मल्टीप्लाई करो, रूट थ्री बाय टू आई, ये हो गया है जेड विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। इसमें एक्स कितना है, थ्री बाय टू, एक्स प्लस आई वाई में रिप्रेजेंट करना है, वाई इज इक्वल्स टू रूट थ्री बाय टू, ये हो गया इसका प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। जेड इज इक्वल्स टू व्हाट इज दैट, रूट टू इन अ ब्रैकेट कॉस सेवन पाई बाय सिक्स प्लस आई साइन सेवन पाई बाय सिक्स। अभी कॉस सेवन पाई बाय सिक्स की वैल्यू कितनी आती है ये हम थोड़ा देख लेते हैं। कॉस सेवन पाई बाय सिक्स क्वाड्रेंट में अगर कन्वर्शन किए तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मैं बाजू को लिखता हूँ इधर, ये देखो कॉस सेवन पाई बाय सिक्स इसकी वैल्यू है। अभी इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर दिए तो पाई की वैल्यू बोले तो ठीक है, हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, वो रहने दो, सेवन इंटू 180 डिवाइड बाय सिक्स 30 डिग्री 210 डिग्री मीन्स 180 प्लस 30 डिग्री 210 मीन्स 180 प्लस 30 डिग्री। अभी ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, 180 प्लस 30 डिग्री बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता है कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो माइनस में रहता है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 210 मीन्स कॉस ऑफ 180 माइनस 30 प्लस 30 दैट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में तो ये निगेटिव रहता है, थर्ड में कोसाइन माइनस कॉस 30, तो रूट टू इंटू माइनस कॉस 30 माइनस आई साइन 30। ये भी ऐसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और कॉस निगेटिव रहते हैं इसलिए माइनस माइनस कर दिया। अभी ये आपको नहीं हुआ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है, हम ले लेंगे, खाली याद रखो सेवन पाई बाय सिक्स मीन्स माइनस टोटल 100 210 रहता है,
उसको 180 प्लस 30 में बदल कर ए लेते हैं, तो रूट टू इन अ ब्रैकेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 30 माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस आई साइन 30 मीन्स 1/2। अभी इसको मल्टीप्लाई करो तुम, माइनस रूट टू इंटू रूट थ्री डिवाइड बाय टू प्लस रूट टू डिवाइड बाय टू आई, ये आता है। और इस आधार पे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस रूट थ्री बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू आई, ये ऐसा आता है। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये हम बाद में लेने वाले हैं, खाली आप याद रखो अगर एंगल कैसे आते हैं 180 के। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंगल 180 तक मालूम है, निगेटिव एंगल मालूम नहीं है, इसलिए ये दिक्कत आती है, फिर भी थोड़ा लिख के लो। अभी यहाँ पे फिर पॉजिटिव वाला कंसिडर करते हैं, कौन सा है देखो, अभी यहाँ पे ई रेस टू पाई बाय थ्री आई, इसको हम x प्लस आई वाई में बदलते हैं, जेड इज इक्वल्स टू ई रेस टू पाई बाय थ्री आई विच इज इक्वल्स टू आर इन टू ई रेस टू थीटा आई, देयर फोर आर इज इक्वल्स टू वन, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय थ्री। दिस कंपेरिजन, ये पोलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम कंपेयर कर दिए, ठीक है। तो अब जेड इज इक्वल्स टू आर इन अ ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जेड इज इक्वल्स टू वन इन अ ब्रैकेट कॉस पाई बाय थ्री प्लस आई साइन पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री बोले तो 60 कॉस 60 प्लस आई साइन 60। कॉस 60 की वैल्यू आती है रूट कॉस 60 की वैल्यू आती है 1/2 प्लस आई, साइन 60 की वैल्यू आती है रूट 3/2। तो इसका फाइनल आंसर जेड इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस रूट 3/2 आई, ऐसा आता है। एक मिनट, लाइट का प्रॉब्लम कुछ है। तो इस तरह से तुम प्रॉब्लम्स अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वो जो नेगेटिव एंगल्स वगैरह, तो तुम्हें एंगल और मेजरमेंट वो चैप्टर 11 का फर्स्ट में होना पड़ता है, वहाँ से तुम ले सकते हो। अभी हम डी मोहर्स थ्योरम को स्टडी करते हैं। ये भी सिंबॉलिक फॉर्म है कि ये क्या है, डी मोहर्स इज द फर्स्ट डी मोयर्स इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु कन्वर्टेड गिवन नंबर इन टू इट्स कॉम्प्लेक्स नंबर, हायर पावर नंबर इन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डी मोयर्स रिप्रेजेंटेशन। सी आर सपोज डी मोयर्स रिप्रेजेंटेशन, हाँ यहाँ पे है, एक मिनट। सीयर दिस इज अ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेस टू 5। सपोज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज अ फॉर्म कॉस थीटा इज इक्वल टू आई साइन, जनरल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे पहले। सपोज झेड वन इज इक्वल टू आर वन ई रेस टू कॉस थीटा 1, झेड टू इज इक्वल टू आर टू ई रेस टू कॉस थीटा 2। These are the two complex number which are in the exponential form. Now we have to consider product z1 into z2 means multiplication of left side, multiplication on right side. See here. Suppose z1 is the exponential form of a complex number, z2 is the exponential form of a complex number. Therefore z1 into z2 is equals to multiply right side, left side. R1 into R2, now e raised to I theta 1, R1 into R2 e raised to I theta 1 into e raised to I theta 2, अगर product है तो power में, index base same है तो power में addition होता है,
that is r1 into r2 e raised to I in a bracket theta 1 plus theta 2. एक कॉमन निकाल सकते हैं हम, theta 1 theta 2 ऐसा आता है. Now that is if two complex numbers are multiply with their modulo get multiplied by added. Therefore z1 divided by z2 is equals to e raised to I theta upon r2 e raised to I theta, that is r1 divided by r2 e raised to I theta 1 minus theta 2. This is a product and this is a multiplication. Okay, that is if one complex number is divided by other, their modulo get divided and arguments are subtracted. ये जो arguments रहते हैं theta 1 theta 2 वो subtraction में आता है और जो modulo होते हैं magnitude value division में आता है. और multiplication में क्या आता है, अगर दो complex number का multiplication है तो उनका जो absolute value है modulo है mod z है r1 r2 का multiplication रहता है और power में argument के addition होते हैं. ये rule बताया है, ये power में addition है तो get added, यहाँ पावर में सब्ट्रैक्शन है गेट सब्ट्रैक्टेड, आर्गुमेंट सब्ट्रैक्टेड आर्गुमेंट एडेड. और मॉड्यूलो मल्टीप्लाई मीन्स दिस मॉड्यूलो मल्टीप्लाई दिस मॉड्यूलो डिवाइड, ये प्रॉपर्टी दी दे है. और दूसरा ये पहली प्रॉपर्टी है डी मोरिस थ्योरम की, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इंडेक्स फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होता है उसका मल्टीप्लीकेशन में उनके मॉड्यूलो की मल्टीप्लीकेशन होते है और आर्गुमेंट की पावर में एडिशन होते है और डिवीजन होता है तो पावर में सब्ट्रैक्शन होता है. तो दैट इज इफ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिवाइडेड बाय अदर, यस ओके. अगेन इन 1730 डी मोयर्स प्रपोज्ड दैट द फॉलोइंग थ्योरम फाइंडिंग द पावर्स झेड इज इक्वल्स टू आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई थीटा I sin theta, then its nth power, उसका nth power कैसे लिख सकते हैं, r raised to n cos n theta, theta को n से multiply करने का, r raised to n करने का, plus I sin n theta. ये देखो ये property है, ये theorem है, इसका proof तुम्हें नहीं है, एक fifth chapter में आपको ये भी prove करना है, लेकिन यहाँ पे खाली आपको formula देखना है. देखो कौन से formula है, suppose this is first, what is that first formula, de Moivre's first formula, formula khali yaad rakho, the de Moivre's first formula state that if z1 is equals to r1 e raised to I theta 1 comma z2 equals to e raised to r2, theek hai main yahan se likhta hu, suppose z1 equals to r1 e raised to I theta 1, z2 equals to r2 e raised to I theta 2, तो according to the de Moivre's first law, z1 into z2 is equals to r1 into r2 e raised to I into theta 1 plus theta 2, यह पहली property है, दूसरी division की है, डिवीजन बोले तो क्या है, z1 डिवाइड बाय z2 इज इक्वल्स टू r1 डिवाइड बाय r2 e रेज टू i थीटा 1 माइनस थीटा 2. और तीसरी जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है प्रॉपर्टी है तो nth ऑर्डर के अगर z रेज टू n ये निकालने का है तो r इन अ ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा ब्रैकेट रेस टू एन, इसकी वैल्यू आप कैसे लिख सकते हैं, आर रेस टू एन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेस टू एन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आर रेस टू एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, थीटा में मल्टीप्लाई करने का इस तरह से. देखो यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेस टू फाइव है तो हम कैसा लिख सकते हैं cos 5 थीटा प्लस i sin 5 थीटा. अगर cos थीटा प्लस i sin थीटा ब्रैकेट रेस टू -1 है तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं
cos of minus theta plus I sin minus theta. अगर cos theta plus I sin theta bracket raised to 3 by 2 है तो cos 3 by 2 theta plus I sin 3 by 2. जो इंडेक्स है उसको हम एंगल में प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है. ये डी मोर्स के तीन लॉ है. ओके ठीक है. इस आधार पे हमें अभी थोड़ा प्रॉब्लम भी डिस्कस करना है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन डिस्कस करना है. तो उसी यार प्रॉब्लम हम लेंगे. हाँ तो देखो यहाँ पे क्या है, ई रेस टू, ये देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है. इसका रेडियस वन है, यहाँ पे रेडियस नहीं दिया हो. कॉस पाई बाय थ्री प्लस आई साइन पाई बाय थ्री ब्रैकेट रेस टू एट है. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हाउ टू राइट कॉस ऑफ एट इंटू पाई बाय थ्री, ये जो इंडेक्स है वो क्या करने का, एंगल में लेने का. फॉर्मूला कैसा है देखो, अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेस टू एन है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस एन थीटा, ये जो एन है थीटा का थीटा से मल्टीप्लाई करो, प्लस आई साइन एन थीटा, इस तरह से हम ले सकते हैं. तो देखो यहाँ पे कॉस एट इंडेक्स था, एट इंटू पाई बाय थ्री प्लस आई एट इंटू पाई बाय थ्री, बोले तो इसको हम कॉस टू पाई बाय थ्री माइनस आई साइन टू पाई बाय थ्री कैसा होता है. देखो एट एट इंटू थ्री मीन्स एट पाई बाय थ्री, एट पाई बाय थ्री इसका सिक्स टू पाई बाय थ्री सिक्स पाई बाय थ्री. देखो मैं यहाँ पे बाजू को सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया है एट पाई बाय थ्री जो है उसे हम ऐसा लिख सकते हैं एट पाई बाय थ्री माइनस टू पाई, टू पाई बोले तो वन कंप्लीट रोटेशन, यहाँ से फिर यहाँ आता है तो उसको हम टू पाई बोलते हैं, यहाँ से यहाँ आता है तो पाई रहता है वो, फिर यहाँ से यहाँ आता है तो वन कंप्लीट रोटेशन टू पाई रहता है. तो एट पाई माइन पाई बाय थ्री माइनस टू पाई, इसको टू पाई बाय थ्री कर दिए, बिकॉज वन कंप्लीट रोटेशन के बाद ये बाद में फिर ऐसा सेकंड रोटेशन को जाता है, इसलिए टू पाई सब्ट्रैक्ट करना. तो टू पाई बाय थ्री को हम कैसा लिख सकते, फिर ये जो टू पाई बाय थ्री है इसको हम पाई माइनस पाई बाय थ्री लिख सकते हैं. सेकंड क्वाड्रन में कॉस निगेटिव रहता है माइनस कॉस पाई बाय थ्री, सिमिलरली आई साइन पाई बाय थ्री, कॉस पाई बाय थ्री बोले तो कॉस 60 cos 60 की वैल्यू 1 बाई टू, आई साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई टू. ये देखो ये प्रोसेस है, इसको हम प्रोसेस बोलते हैं. इसी प्रोसेस से सॉल्व करना, अभी ये आपको डिफिकल्ट रहता है, ये नहीं हुआ है तो खाली यहाँ पे ध्यान रखो कैसे कर दिए. 2 पाई बोले तो 360, पाई बोले तो 180, और 360 के आगे अगर एंगल है तो हम ये लेते हैं. अभी हम वो कल से वही नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ पे आपको सिखाऊंगा फिर से. फिर अभी सेकंड प्रॉब्लम देखो, कॉस ऑफ पाई डिवाइड बाय 10 माइनस आई साइन पाई डिवाइड बाय 10, तो इसको 15 ब्रैकेट रेस टू 15 है. तो फॉर्मूला यूज करो, ये जो 15 है वो क्या करने का, एंगल में लेने का. तो इसका कन्वर्शन कैसा होता है, कॉस 15 पाई बाय 10 माइनस आई साइन 15 पाई बाय 10. अभी 15 पाई बाय 10 को कैसा लिख सकते हैं, तो 5 1 द 5 5 2 द 5 3 द 15 मीन्स 3 पाई बाय 2 माइनस आई साइन 3 पाई बाय 2, इसको सिंप्लीफाइड कर दिए. अभी 3 पाई बाय 2 बोले तो पाई प्लस पाई बाय 2, कॉस पाई थर्ड क्वाड्रन में निगेटिव आता है माइनस, ये पाई कैंसिल होता है पाई बाय टू माइनस आई साइन पाई प्लस पाई बाय टू. अभी ये माइनस आता है थर्ड क्वाड्रन में तो इसकी वैल्यू ये माइनस और ये माइनस प्लस, हाँ माइनस माइनस प्लस होता है, देयरफॉर यहाँ पे क्या आता है देखो, जीरो कॉस पाई बाय टू मीन्स 90, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, साइन 90 की वैल्यू ये माइनस आई इज इट इज, साइन 90 की वैल्यू पाई बाय टू बोले तो 90, साइन 90 की वैल्यू 1 आता है, मीन्स 1 इंटू माइनस आई इंटू माइनस 1 मीन्स प्लस आई, इसका आई आता है. बोले तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आ गया, कॉस
pi by 10 minus I sin pi by 10 bracket raised to 15. सिमिलरली अभी इसको देखो, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो इसको क्या करते हैं, ये इसका इंडेक्स 2 है, वो मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं, तो इसका क्या होता है, कॉस 10 थीटा प्लस आई साइन 10 थीटा डिवाइड बाय कॉस, इसका इंडेक्स कितना है 3, उसको मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं, 4 इंटू 3 मीन्स 12, आई साइन 12 थीटा। बोले तो यहाँ पे cos 10 थीटा माइनस आई साइन थीटा डिवाइड बाय cos 12 थीटा, ये जो डिनोमिनेटर का है उसको cos 12 थीटा न्यूमरेटर में कन्वर्ट करने के बाद ये माइनस होता है आई साइन 12 थीटा, दैट इज, देखो यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर दिए, cos ऑफ, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हम इंडेक्स में बनाते हैं, इसको कैसा बनते हैं देखो, मैं एक बार इसको चेंज करके लेता हूँ, हाँ, इसको हम कन्वर्ट करो झेड वन डिवाइड बाय झेड टू फॉर्म में, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, झेड वन डिवाइड बाय झेड टू है, यहां पे फॉर्मूला मैं यूज कर देता हूं, देखो अगर झेड वन डिवाइड बाय झेड टू है, ये झेड वन डिवाइड बाय झेड टू, तो कैसा रहता है, ई रेस टू आर वन डिवाइड बाय आर टू, तो वन है, ई रेस टू आई इन अ ब्रैकेट क्या रहता है, थीटा वन माइनस थीटा टू, ये डी मोहर्स का थर्ड फॉर्मूला है। बोले तो इसका ई रेस टू आई, थीटा वन टेन थीटा है, यहाँ पे माइनस ट्वेल्व थीटा है, टेन माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व थीटा, यानी कि कितना आता है 22 आता है, e रेस टू आई 22 थीटा, इससे भी हम कन्वर्ट करके डायरेक्ट ये ले सकते हैं, ये हो गया इसका अभी 22 थीटा कन्वर्शन हो गया। ये मैं फिर से आपको सॉल्व करके देता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देता हूँ, अभी ये डिवीजन है देखो, हाँ cos 5 थीटा प्लस आई sin 5 थीटा ब्रैकेट रेज टू 2 डिवाइड बाय cos 4 थीटा प्लस माइनस आई sin 4 थीटा ब्रैकेट रेज टू 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई करो, डी मोहर्स थ्योरम यूज करो, cos 5 थीटा और 10 थीटा प्लस आई साइन 10 थीटा, यहाँ 5 है 10 थीटा डिवाइड बाय कॉस 12 थीटा प्लस माइनस आई साइन 12 थीटा, ये हो गया। अभी अभी इसको हम इंडेक्स में कन्वर्ट करते हैं, इसको ई रेस टू पावर फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको कैसे लिख सकते हैं, आई इंटू थीटा, बोले तो 10 थीटा, 10 थीटा आई डिवाइड बाय यहाँ पे 12 थीटा आई, यहाँ पे ई रेस टू 12 थीटा आई, तो डिवीजन में ये सब्ट्रैक्शन का न्यूमरेटर में जाता है, ये जो न्यूमरेटर में गए तो इसको कैसा लिख सकते हैं, ये रूल कैसा है, सब्ट्रैक्शन का रूल है, थीटा वन माइनस थीटा टू, तो यहाँ पे ई रेस टू 10 थीटा माइनस माइनस 12 थीटा मीन्स 22 थीटा आई, और यहाँ से ऐसा ले सकते हैं। अभी ये थोड़ा तुम किताबें वगैरह देख लो, ये आपको सब पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं यहाँ पे ये मैं डी मोहर्स की कंडीशन इसलिए आपको यहाँ पे रिवाइज कर दे, ये जेई में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डी मोहर्स पोलर फॉर्म, इसका आपसी रिलेशन और कन्वर्शन, ये वहाँ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। फिर भी मैं एक बार फॉर्मूले आपको रिवाइज करता हूँ, जो जेई के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, दीज आर द इम्पोर्टेंट, दीज कंसेप्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर जेई एग्जामिनेशन, आईआईटी जेई एग्जामिनेशन। मैं यहाँ पे फिर से एक बार सबसे अलग फॉर्मूले, सब फॉर्मूले यहाँ पे दो मिनट में लिख के देता हूँ। नंबर वन, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आई,
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। दूसरा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बार इज इक्वल्स टू ए माइनस बी आई, खाली चेंज साइन करने का। थर्ड, अभी मॉड जेड रहता है, मॉड जेड इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आर भी बोलते हैं। फोर, अल्फा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ मॉड बी बाय ए। फिफ्थ, आर्ग जेड इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फिर सिक्स नंबर का फार्मूला, आर्ग जेड इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेवन, आर्ग जेड इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस अल्फा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। एट, आर्ग जेड इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू टू पाई माइनस अल्फा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, नाइन नंबर का फॉर्मूला, पोलर फॉर्म जेड इज इक्वल्स टू आर इन अ ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। टेन नंबर का ये पोलर फॉर्म हो गया। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जेड इज इक्वल्स टू, हाँ पोलर फॉर्म क्या रहता है, आर ई रेस टू आई थीटा। एलेवन नंबर का जो डी मोहिल्स फार्मूला है, यहाँ पे जेड वन डिवाइड बाई जेड टू डी मोहिल्स इज इक्वल्स, पहले प्रोडक्ट का लेते हैं, जेड वन इंटू जेड टू इज इक्वल्स टू आर वन इंटू आर टू ई रेस टू आई इन थीटा वन प्लस थीटा टू। ट्वेल्व नंबर का फार्मूला है जेड वन डिवाइड बाई जेड टू इज इक्वल्स टू आर वन डिवाइड बाई आर टू ई रेस टू आई थीटा वन माइनस थीटा टू। और लास्ट फार्मूला है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेस टू एन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये सब फार्मूले खाली आप याद रखना, आपको जेई के लिए बहुत ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, तो ये सब फार्मूले आप याद रखना। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, कल हम पेपर फर्स्ट का बाकी के जो कुछ किताब में प्रॉब्लम्स वगैरह है तो आप पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो लेट अस स्टॉप हियर, टुमारो वी शैल डिस्कस न्यू चैप्टर, टुमारो वी शैल डिस्कस न्यू चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट, और वी शैल टेक रिविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड फ्रॉम मंडे वी शैल टेक न्यू चैप्टर। ओके, लेट अस डिसाइड, थैंक यू, वी शैल स्टॉप टुडे, गुड बाय।